हेलो दोस्तों, आज मैं सात ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो एयर फ्रायर में बहुत ही आसानी से बन जाती है। अगर आप डीप फ्राइंग अवॉइड करके कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं या फिर बेकिंग जैसे कि केक, बिस्किट, पिज्जा, ये सब बहुत ही आसानी से इस एयर फ्रायर में बना सकते हैं। इसमें बनाने वाला खाना टेस्टी प्लस हेल्दी दोनों होता है और बहुत ही इजीली घर पे बन जाता है, समय भी एकदम कम लगता है। हमारी आज की पहली रेसिपी है पानी पूरी पापड़। यहाँ पे मैंने यूज किया है रेडीमेड पापड़। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद सारे पापड़ को एक एक करके एयर फ्रायर में रख देना है। आप चाहे तो ऐसे ही पापड़ को माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। फिर सारे पापड़ को 160 डिग्री सेल्सियस में 3 मिनट तक एयर फ्राई करने से हमारे सारे पापड़ बनके तैयार हो जाएंगे। आपसे पानी पूरी पापड़ को ज्यादा तेल में फ्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही एकदम कम तेल में इस पापड़ को बना के घर पे एंजॉय कर सकते हैं। हमारी सेकंड रेसिपी है हेल्दी सोया मंचीज। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बॉयल्ड सोयाबीन। इसमें डालेंगे नमक, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कॉर्न फ्लोर, दही और थोड़ा सा ऑयल डाल के सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर एयर फ्रायर में एक बटर पेपर डाल के सारे सोयाबीन्स को इसमें डाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे ताकि हमारे सोया मंचेस अच्छे से एयर फ्राई हो सके। फिर 180 डिग्री सेल्सियस में 20 मिनट्स तक एयर फ्राई करने से हमारे सोया मंचेस बनके तैयार हो जाएंगे। अब इवनिंग स्नैक्स में ये हेल्दी और टेस्टी सोया मंचेस को घर पे ट्राई कर सकते हैं। हमारी थर्ड रेसिपी है रेड वेलवेट कपकेक। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रेडीमेड केक मिक्स का यूज किया है। रेडीमेड केक मिक्स में दूध और थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ना ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाए। फिर बैटर को एक एक करके पेपर कप में डाल देंगे। नेक्स्ट सारे पेपर कप को एक एक करके एयर फ्रायर में रख के 150 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट्स तक एयर फ्राई करेंगे तो हमारे सारे कपकेक बनके तैयार हो जाएंगे। फिर सारे कपकेक्स को शुगर पाउडर डाल के अच्छे से गार्निश कर लेंगे। आप ऐसे ही बहुत इजीली घर पे ये कपकेक बना सकते हैं। हमारी फोर्थ रेसिपी है हेल्दी एंड टेस्टी मसाला मखाना। मैंने यहाँ पे एक कप मखाना लिया है। इसमें डालेंगे काला नमक, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा ऑयल डाल के सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर एयर फ्रायर में एक बटर पेपर रख के इसमें सारे मखाना को डाल देंगे। फिर 150 डिग्री सेल्सियस में 3 मिनट तक एयर फ्राई करने से हमारे मसाला मखाना बनके तैयार हो जाएंगे। इस हेल्दी स्नैक्स रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करें। हमारी फिफ्थ रेसिपी है बचपन में सबको पसंद आने वाली कलरफुल फिंगर पापड़। इसको आज हम बहुत ही कम तेल में बनाएंगे। मैंने यहाँ पे एक कप फिंगर पापड़ लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर एयर फ्रायर में एक बटर पेपर रख के उसमें सारे पापड़ को डाल के 160 डिग्री सेल्सियस में 3 मिनट तक एयर फ्राई करने से हमारे सारे फिंगर पापड़ बनके तैयार हो जाएंगे। हमारी सिक्स्थ रेसिपी है होममेड टेस्टी पिज्जा। इसके लिए मैंने यहाँ पे रेडीमेड पिज्जा बेस यूज किया है। इसके ऊपर पिज्जा सॉस और मेयोनीज डाल के अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसके ऊपर ग्रेटेड चीज डाल के इसमें टमाटर, कैप्सिकम, प्याज, पनीर डाल के अच्छे से सजा देंगे। आप अपने हिसाब से वेजेस यूज कर सकते हैं। आप इसमें सेम प्रोसेस से ब्रेड पिज्जा भी बना सकते हैं। फिर एयर फ्रायर में एक बटर पेपर रख के उसके ऊपर पिज्जा रख के 160 डिग्री सेल्सियस में 12 मिनट तक एयर फ्राई करने से हमारा पिज्जा बनके तैयार हो जाएगा। ऐसे ही इजीली आप घर पे एयर फ्रायर में पिज्जा बना सकते हैं। हमारी सेवेंथ रेसिपी है हेल्दी रागी बिस्किट। इस बिस्किट को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप रागी फ्लोर, 1/2 कप आटा, 1/4 कप कोकोआ पाउडर, थोड़ी सी बेकिंग पाउडर, 1/2 कप जेगरी पाउडर, थोड़ी सी वेनिला एसेंस और 1/2 कप घी डाल के सारे चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक डो तैयार कर लेंगे। फिर एक एक करके सारे बिस्किट रेडी कर लेंगे। आप अपना मनपसंद शेप दे सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक बादाम दिया है। आप चाहे तो काजू भी यूज कर सकते हैं। फिर एक एक करके सारे बिस्किट को एयर फ्रायर में रख के 200 डिग्री सेल्सियस में 10 मिनट तक एयर फ्राई करने से सारे बिस्किट बनके तैयार हो जाएंगे। आप ऐसे ही बहुत ही इजीली घर पे ये बिस्किट बना सकते हैं।